आपने पानी की नहर तो सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं लाशों की नहर। जी हाँ, एक ऐसी नहर जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 लाशें मिली हैं, जिनके मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। और इतनी बड़ी संख्या में लाशों का मिलना नरवाना पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गया है। वहीं नरवाना पुलिस ने इसकी सूचना हरियाणा पुलिस के साथ साथ पंजाब और हिमाचल को भी दी है, ताकि मिसिंग लोगों के संबंध में जानकारी मिल सके। लाशों की नहर, कहां से आई ये लाशें? एक महिला सहित 12 लोगों की मिली लाशें। भाखड़ा नहर में सफाई के दौरान मिली 12 लाशें। भाखड़ा नहर बंद होने के बाद लाशों की नहर बन गई है। मरम्मत के लिए बंद किए जाने के बाद से नहर में अब 12 लाशें मिल चुकी हैं। लाशें पंजाब से बहकर आई होने का शक जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि नहर पंजाब की ओर से आती है और हरियाणा के जींद जिले के नरवाना के पास से ये लाशें मिली हैं। वहीं पुलिस ने नहर में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ पंजाब और हिमाचल पुलिस को भी सूचना भेजकर उनके प्रांतों से मिसिंग लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की बात कही है। डोआनाखेड़ा ये ब्रांच बाल संबंध बरवाड़ा की तरफ जाती है, जो ये पानी बंद होने की वजह से इसमें पीछे से बहकर आई हुई 8 डेड बॉडी आज मिली हमें, और 3 गड्डी एरिया के अंदर मिली है, तो टोटल 11 डेड बॉडी मिली है जिसकी शनाख्त नहीं हुई अभी तक। इनके अंदर कितने आदमी, कितने महिलाएं हैं? इसमें एक लेडीज है और 10 जेंट्स। तो उनकी कितनी पुरानी और उनकी क्या स्थिति है? कुछ डेड बॉडी तो काफी पुरानी है, जो 3-4 महीने या 5-6 महीने भी हो सकती है। कुछ है 14-15 दिन के अंदर। अभी उनकी शनाख्त के लिए हमने नरवाना डेड हाउस रखा है और हम सभी थानों में मैसेज करवाएंगे उनकी पहचान के लिए। अगर कहीं से कोई मिसिंग है तो उनकी पहचान के लिए नरवाना डेड हाउस में। तो अभी और भी सर्च किया जा रहा है? अभी सर्च कर रहे हैं हम आगे भी, उधर गड्डी तक हमने सर्च किया है और अब इस साइड में बडनपुर मंगलपुर की तरफ भी हम सर्च कर रहे हैं। और कुछ लाशें गली सड़ी हालात में थी, जिन पर कपड़े भी नहीं है, उनके कुछ पहचान नहीं हो सकती, तो उनको रखा है, उनका DNA के लिए हम सैंपल लेंगे। बता दें कि सिरसा ब्रांच भाखड़ा नहर की सफाई का काम चला हुआ है, जिस कारण इसका पानी लेवल कम हो गया है, और जब पानी कम हुआ तो देखा कि इसमें नीचे लाशें पड़ी हैं। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लाशों को बाहर निकाला। लाशें इतनी गली सड़ी हैं कि इनकी शिनाख्त करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं लाशों को नरवाना के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है। गोताखोरों के अनुसार कुछ लाशों के हाथों में कड़े हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पंजाब के सिख व्यक्तियों की लाशें हो सकती हैं। सर, अभी तक जो डेड बॉडियां मिली हैं उसके अंदर 4 तो खोपड़े मिले हैं, सिर सिर कंकाल, और 11 डेड बॉडियां मिली हैं, जिनके अंदर से एक लेडीज है और 10 पुरुष हैं, जिनमें से देखने में ऐसा लग रहा है कि जो डेड बॉडियां 15 दिन से लेके और 10-11 महीने तक की लग रही हैं, क्योंकि जो उनके जो शरीर के कपड़े हैं ना, वो शरीर पे चिपके हुए हैं बहुत बुरी हालत में। जैसे जॉकी का अंडरवियर पता लग रहा है, टी शर्ट पता लग रही है, रेड कलर की किसी ने टी शर्ट पा रखी है, किसी ने शर्ट पा रखी है आधी बाजू की, किसी ने बनियान, मतलब शरीर पे कपड़े चिपक गए बहुत बुरी तरीके से। बाकी कड़े भी हैं, किसी के हाथ में कड़े भी हैं, कुछ देखने में सरदार भी लग रहे हैं। बाकी भी छानबीन जारी है। एक की जेब से पर्स भी मिला है, उसके अंदर पर्स के अंदर प्रदूषण की पर्ची निकली है, जिसका नंबर PB11AF1109 है। पानी की नहर लाशों की नहर बन गई है। सवाल कही है कि आखिर ये लाशें आई कहां से और किसकी है, इनकी हत्या की गई है या आत्महत्या? ये कई सवाल हैं जो नरवाना पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। बहरहाल देखना योग्य होगा कि पुलिस मामले की तह तक कब तक पहुंच पाती है। लिविंग इंडिया न्यूज के लिए जींद से विजेंद्र बाबा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।